हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट मैच की। जैसा कि आप सभी को पता है कि एशिया कप चल रहा है और इस एशिया कप में 6 देश की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान भी हैं। भारत और पाकिस्तान का अभी फिलहाल में मैच हुआ है 28 अगस्त को, जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की है। अब इनका अगला मैच 4 सितंबर को फिर से होने जा रहा है। इस मैच का लाखों लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है और लोग ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों टीमों की तरफ से कौन से खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले हैं। तो आज हम इन्हीं प्लेइंग के बारे में बताने वाले हैं कि भारत की तरफ से कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो मैदान में उतरेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो भारत के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। तो चलिए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के बारे में। जैसा कि इस पोस्ट में दिया गया है कि टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो है, टीम इंडिया का कप्तान है रोहित शर्मा, उपकप्तान है केएल राहुल, विकेट कीपर ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक, जिसमें से दिनेश कार्तिक को मौका दिया जाएगा। बैट्समैन विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा को स्टैंड बाई पर रखा गया है। ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा जो फिलहाल अभी चोटिल है इसलिए उनकी जगह अक्षर पटेल को लाया गया है। बॉलर है युजेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, स्टैंड बाई पर रखा गया आर अश्विन को, दीपक चहर को, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और अर्थदीप सिंह को। पाकिस्तान टीम 11 की अगर बात करते हो तो कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, बैट्समैन फकर जमान, हैदर अली, आसिफ अली, ऑलराउंडर शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इफ्तिकार अहमद, बॉलर मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, हसन अली, स्टैंड बाई पे खुशदिल शाह, हरीश द्रॉफ, मोहम्मद वसीम, उस्मान कादरी और शहनवाज दाहिनी। ये रही भारत और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो कल के मैच में आमने सामने होगी। अगर आपको भी है भारत और पाकिस्तान का मैच का अहम मुकाबले का इंतजार तो अपनी फैंटेसी टीम अभी बना लीजिए। अगर आप भी खेलते हैं ड्रीम 11 और स्कोर 11 और माई सर्कल जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म पे टीम बनाकर पैसे जीतना चाहते हैं तो ये आपकी प्लेइंग 11 हमने बता दी है जो कल के मैच में आमने सामने होगी। तो अभी बिना देर किए अपनी प्लेइंग 11 देख लीजिए और बना लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी।